हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल न्यू सीरीज को, और जिसका नाम है किडनैप द सीरीज। और इसका फर्स्ट एपिसोड लास्ट नाइट ही आया है। और इस सीरीज में हमें लीड रोल में ओम पवार और लंग थानापोन दिखेंगे। ओम को तो आप सारे लोग ही जानते होंगे, क्योंकि वो थाईलैंड का बहुत ही फेमस एक्टर है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें ये पता होगा कि मैंने बैड बडी का एक्सप्लेनेशन किया था, और जिसमें ओम पवार लीड एक्टर था। मैं इस सीरीज का इंतजार लास्ट ईयर से कर रही थी, और मैं इस सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस तरह की कहानी बहुत ही कम बनती है, और खास करके इसमें ओम पवार है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहती थी। एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए। तो चलिए अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, और हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है जो एक बड़े से घर में हाथ में गन लिए घुसता है। वहाँ पे कई सारे सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, पर उन सारे लोगों को मारते हुए एक रूम में पहुँचता है, और वहाँ कोई सोया होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वहाँ शूटिंग चल रही थी, और वो मास्क मैन अपना चेहरा खोलता है, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मिन होता है। और डायरेक्टर को सॉरी कहने लगता है कि अगर उससे गलती हुई, पर डायरेक्टर आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, और मिन एक स्टंट मैन होता है। तभी वहाँ पर सेट का एक्टर आ जाता है, और मिन उसे हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे उसके काम खत्म होने के बाद वो आकर अपना फोन चेक करता है, और अपने कपड़े बदल कर वहाँ से सबको बाय कहते हुए जाने लगता है। वो आसपास के सारे लोगों को बाय बोल होता है, चाहे वो छोटे ही वर्कर्स क्यों ना हो। और वहाँ पर वो फूड ट्रक वालों से भी बहुत प्यार से बात करता है, और फूड ट्रक वाले उसे खाने की चीजें देते हैं। तभी वहाँ पे उसका एक जेम्स नाम का सीनियर आता है, और वो आकर उसे कहता है कि वो इतना सारा खाना क्यों ले रहा है। उन सारे लोगों को ये क्यों नहीं कहता कि वो लोग फूड ट्रक लेके उसके घर के सामने ही चले आए। मिन कहता है कि उसे ये सारा खाना बाद में खाने के लिए रखना है, और क्या उसे इस वीक स्टंट का कोई भी काम नहीं मिला जो उसे ऐसे तंग कर रहा है। मिन और उसका भाई ये सारा खाना खाएंगे। जेम्स उसे कहता है कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो क्या वो उसके साथ काम करना पसंद करेगा, असली गन्स के साथ। मिन उसे कहता है कि नहीं, वो बस नकली गनों के साथ ही काम करना चाहता है, और वो यहाँ पर स्टंटमैन बनकर ही खुश है। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया और उसे जेल हो गई, तो उसके भाई का ख्याल कौन रखेगा। जेम्स उसे उसकी पेमेंट देता है, पर जब मिन देखता है कि उसमें कम पैसे होते हैं, तो उसका हंसता चेहरा उतर जाता है, वो उदास हो जाता है। जेम्स उसे कहता है कि उसके पास मिन के लिए काम है, एक इंटरनेशनल फिल्म की कंपनी वालों को स्टंटमैन चाहिए, उसे वहाँ पर कुछ लाइंस बोलने होंगे, और वो लोग पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं, यहाँ के पैसे से 10 गुना ज्यादा। उसकी बातें सुनकर मिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और कहता है कि क्या सच में। जेम्स उसे कहता है कि हाँ, पर वहाँ उसे इंग्लिश में डायलॉग्स बोलने होंगे। ये कहकर वो मिन को नंबर वगैरह दे देता है, और उसे कहता है कि कल उसकी ऑडिशन है, तो वहाँ जाकर अच्छे से ऑडिशन दे और कुछ भी गड़बड़ न करे। मिन कहता है कि वो घर जाकर लाइंस अच्छे से याद कर लेगा। ये कहकर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि उसे हॉस्पिटल के बिल्स के पैसे पिक करने हैं। आगे उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, और हॉस्पिटल बिल के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, और वो अपने सेविंग के सारे पैसे वहाँ पिक कर देता है, और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है, जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसे क्या हॉस्पिटल के बिल के पैसे उसने दिए होते हैं, क्योंकि उसके हार्ट की सर्जरी हुई होती है। और उसके भाई के साथ उसके एक दोस्त चिन्ह होती है। वो मिन से कहती है कि उसके भाई की सर्जरी अच्छी तरह से हो गई, तो अब उसे बस रेस्ट करना है और डॉक्टर्स की सारी बातें माननी है। ये कहकर वो उसे रिपोर्ट्स वगैरह देती है, और कहती है कि अब वो यहाँ से जा रही है, अगर वो लेट हो गई तो उसके डैड उसे डांटेंगे। मिन उसे कुछ पैसे देने लगता है, ये कहकर कि वो हमेशा उसके भाई का ख्याल रखती है, और उसके यहाँ आने जाने में भी पैसे खर्च होते होंगे, तो बस वो यहाँ आने जाने के पैसे सोच कर इसे रख ले। वो लड़की उसे पैसे लेकर उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिन अपने भाई को खाना निकाल कर देता है, और उसे खाने के लिए बोलता है, जो खाना वो अपने शूटिंग वाली एरिया से लेकर आया था। उसका भाई कहता है कि क्या वो खाना नहीं खाएगा। मिन कहता है कि वो बाद में खा लेगा। ये कहकर वो अपने भाई को खाना खिलाने जाता है, तो उसका भाई बोलता है कि उसके हार्ट की बस पेसमेकर ही बदली गई है, उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, उसकी सर्जरी हो चुकी है, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और कुछ दिनों में वो घर भी जा पाएगा, तो ऐसे उदास चेहरा ना बनाए। मिन उसे कहता है कि क्या सच में। ये कहकर वो थोड़ी सी स्माइल कर देता है। उसका भाई कहता है कि अगली बार वो लोग इस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, ये हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा महंगा है, अगली बार सरकारी हॉस्पिटल चले जाएंगे, कम पैसे में काम हो जाएगा। मिन कहता है कि कोई बात नहीं, वो नहीं चाहता कि उसे लंबे लाइन में खड़ा होना पड़े। क्या उसे याद है कि लास्ट टाइम वो लोग लंबे लाइन में कितने देर तक खड़े थे, और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तो उसका छोटा भाई है, और मिन उसका ख्याल रख सकता है। ये कहकर वो उस पे
प्यार से हाथ फेरता है। उसका भाई कहता है कि वह बच्चा नहीं है और उसके दिल की दीवार बस थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो इसके लिए उसे इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिन कहता है कि अच्छा तो क्या बस थोड़ी सी ही मोटी हो गई है। ये कहकर वो अपने भाई को छेड़ने लगता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। आगे वो घर वापस आता है और हम यहाँ देखते हैं कि उसके घर के बाहर सेल की बोर्ड लगी होती है, यानी कि वो अपना घर भी बेचने वाला है। बाइक से उतरकर घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं अपने उधार के पैसे लेने। मिन उनसे कहता है कि वो जल्दी उन लोगों के पैसे लौटा देगा, वो लोग बस उसे थोड़ा सा टाइम दे दे, पर वो लोग उसे हाथापाई करने लगते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं और मिन भी अपने डिफेंड में उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। पर तभी एक आदमी चाकू निकाल लेता है और चाकू देख कर मिन घबरा जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि उसके पॉकेट में थोड़े से पैसे हैं, तो वो लोग ले ले और वो लोग वो पैसा ले लेते हैं और कहते हैं कि ये पैसे तो कम है पर ठीक है, वो लोग बाद में आएंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिन अपने घर के अंदर जाता है और अपने पास से खाना निकाल कर किचन में रखता है, क्योंकि उसके पास बस खाना ही बच गया होता है। पैसे तो सारे वो लोग लेकर चले गए और जितने भी पैसे अकाउंट में थे वो उसने सारे हॉस्पिटल के बिल में दे दिए। वो उदास होकर अपने मॉम डैड की फोटो की तरफ देखता है और साथ ही उसके और उसके साथ के भाई के फोटो को भी, यानी इस दुनिया में उसके भाई के अलावा उसका कोई भी नहीं है। उसके मॉम डैड चल बसे और तभी वो पैसे कमाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो अपने भाई का इलाज अच्छी तरह से कर सके और वो जल्दी ठीक हो जाए। अपनी फैमिली की फोटोज को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और वो अपने प्रॉब्लम्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वही अपने भाई का गार्जियन है, तो उसे हमेशा स्ट्रांग बने रहना पड़ता है। अगले दिन वो बताए गए ऑडिशन वाली जगह पे डायलॉग्स याद करते हुए जा रहा होता है, तभी उसके पास जेम्स का कॉल आता है और उसे वहाँ पास के बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पे बुलाता है कि वो वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसका धक्का स्टोरी के एक और मेन कैरेक्टर क्यू से लगता है और उसके हाथ में जो जूस होता है वो मिन के शर्ट पे पूरा गिर जाता है। उन दोनों की नजरें मिलती है पर मिन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी क्यू के स्वेटर उसके वॉच पे फंस जाती है और दोनों को होश नहीं होता। दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी क्यू का ध्यान इस चीज पे जाता है कि उसका स्वेटर छोटा होता जा रहा है और वो देखता है कि वो जिस लड़के से टकराया था उसी के हाथ में फंस गया। वो मिन के पास जाकर कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, ये अब कैसे ठीक होगा। मिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने क्या किया। तभी वो अपने वॉच की तरफ देखता है और वो घबरा जाता है, पर वो क्यू से कहता है कि वो भी तो देख कर नहीं चल रहा था। मिन ने उसे देखा कि वो सर झुकाते हुए चल रहा था। क्यू उसे कहता है कि मतलब वो उसके स्वेटर को ठीक नहीं करेगा। मिन कहता है कि क्या ठीक करना है, वो तो खुद ही सर झुकाकर चल रहा था, देख कर नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। और उसकी कॉफी भी उसके शर्ट पर पूरी गिर गई, तो बात तो बराबर हुआ। क्यू उसे कहता है कि कौन सा बात बराबर हुआ, उसका स्वेटर महंगा है। मिन उसे कहता है तब वो क्या चाहता है, वो क्या करे, उसके पास पैसे नहीं है उसे देने के लिए। क्यू उसकी बातों से गुस्सा होने लगता है और वो मिन का शर्ट फाड़ देता है। मिन उसे कहता है कि उसने क्या किया। क्यू कहता है कि उसका स्वेटर फटा है तो उसके शर्ट को भी फटना चाहिए। मिन कहता है पर वो बिना बात के ऐसा कैसे कर सकता है। क्यू नाराज होकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और से झगड़ने लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग आकर उन दोनों को एक दूसरे से हटाते हैं। क्यू कहता है कि वो अपनी शक्ल उसे दोबारा ना दिखाए। मिन कहता है कि वरना क्या होगा, वो क्या कर लेगा। ये कहकर वो उसे बिगड़ा हुआ लड़का बोलता है। इसके बाद मिन उसी हालत में जेम्स के पास पहुँचता है। जेम उसे देख कर कहता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो ऐसी हालत में यहाँ कैसे पहुँचा। मिन उसे कहता है कि क्या वो सही टाइम पे पहुँच पाया। जेम्स कहता है कि हाँ, पर क्या उसने लाइन्स याद कर लिए। मिन कहता है कि हाँ उसने लगभग याद कर लिए, एक बार और याद कर लेगा। ये कहकर वो अपने पास से पेपर निकालता है पर वो देखता है कि पेपर तो पूरा बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ क्यों नए कपड़े खरीद कर पहन कर वहाँ से शॉपिंग करके जा रहा होता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि एक जले हुए वेयर हाउस में कई सारे लोगों की लाश मिली है और वहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स भी मिले हैं और एक बड़े पुलिस ऑफिसर को केस के बारे में न्यूज रिपोर्टर्स वालों को बताते दिखाया जाता है। क्यों उस पुलिस ऑफिसर को देख कर अपना मुँह बनाने लगता है और मुँह फुला कर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वही मिन ऑडिशन देकर बाहर आता है और उसका ऑडिशन अच्छा नहीं गया होता तो वो सैड होता है। जेम्स उसे कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है पर मिन जेम्स को कहता है कि उसने जो असली गन की जॉब की बात की थी वो कौन सा काम है। आगे दूसरी तरफ क्योंकि घर का सीन दिखाया जाता है और उसका घर बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है और जिस पुलिस ऑफिसर को वो न्यूज में देख रहा था वही उसके डैड होते हैं। उनके पास उस वेयर हाउस के मालकिन नहीं होती है जिसके बारे में न्यूज में दिखाया गया था और वो पैसे से उन्हें खरीदने की बात कर
कर रही होती है कि वो पैसे लेकर सारी बातें यहीं पर खत्म कर दे। वो उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर करते हैं पर क्योंकि डैड उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, उनसे पैसे नहीं लेते और कहते हैं कि इस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ये केस नॉर्मल तरीके से ही चलेगा। तो वो लेडी अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगती है पर वो जाते वक्त क्यों को वहाँ पर देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो उनका ही बेटा है और वो क्यों की तरफ कृपी से स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद क्यों अपने डैड के पास जाकर उन्हें कहता है कि ये सब क्या है। उसके डैड कहते हैं कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों कहता है कि कैसे लेना देना नहीं है, घर के सामने इतने सारे लोगों की भीड़ लगी है, क्या वो इस काम को नहीं छोड़ सकते, वो अपनी लाइफ को ऐसी मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि अगर उन्हें किसी दिन जान से मार दिया गया तो। उसके डैड कहते हैं पर ये तो उनका काम है। क्यों सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेम्स मिन को लेकर पुराने ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है। मिन को कुछ भी समझ नहीं आता और जेम्स उसे लेकर अपने साथ अंदर जाता है। वो जगह अंदर से काफी खूबसूरत होती है पर थोड़ी सी डरावनी भी होती है और वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है। जेम्स मिन को लेकर अपने साथ बहुत अंदर तक जा रहा होता है और वो उस जगह पे बिल्कुल नॉर्मल होता है और वहाँ सारे लोग उसे पहले से ही जानते हैं। उसके पास मेंबर वाली कार्ड भी होती है। वो मिन को लेकर और भी अंदर चला जा रहा होता है। वो उसे एक सीक्रेट रास्ते पे ले जाता है और जहाँ का रास्ता उसके पास के मेंबर कार्ड से खुलता है और ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। वो जगह एक छुपी हुई सीक्रेट प्लेस होती है, वहाँ कैसीनो होता है। मिन उस जगह पर जाकर घबरा जाता है और सारे लोग वहाँ पे जुआ खेल रहे होते हैं, सारे लोग शराब पी रहे होते हैं और वो लोग आपस में ही बिजी होते हैं। तभी हमें सो नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है और इस इंसान को हमने इससे पहले क्योंकि घर पे देखा था। वो उस लेडी के साथ आया था। उसे देखकर जेम्स मिन से कहता है कि वो ऐसा बिहेव करे जैसे कि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो यहाँ पहले कभी भी नहीं आया और जो आदमी यहाँ पर आ रहा है उसे हेलो कहकर वो दोनों जल्दी से चले जाएंगे। तभी सो वहाँ पर आता है और वो दोनों उसे हेलो बोलते हैं। जेम्स उसे मिन से मिलवाता है ये कहकर कि वो उसका भाई है। से उस पे नाराज होने लगता है पर जेम्स उसकी तारीफें करने लगता है और उसे मीठी बातें करके वो मिन को लेकर अंदर चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जेम्स को एक आदमी गन देता है जिसे देखकर मिन घबरा जाता है। वो जेम्स से पूछता है कि आखिर ये कौन सा काम है। जेम्स उसे कहता है कि किडनैप करने का। उसकी बात सुनकर मिन घबरा जाता है और कहता है कि किसे किडनैप करना है। तो जेम्स उसे क्यू की फोटो दिखाता है और उसकी फोटो को देखकर मिन घबरा जाता है और उसे याद आ जाता है कि इस लड़के को तो उसने मॉल पे देखा था जिससे उसकी बहस हुई थी। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।